मैंने किया है ग्लो विद जो का वर्कआउट। और एक्चुअली कितने देर करा ये वाला तो मैं आधा ही कर पाई हूँ, तो वही अराउंड 20 मिनट्स मैंने फिनिश किया है। थोड़ी सांस भी फूल गई है, अभी जस्ट ख़त्म किया और कैमरा उठाया मैंने। आई थिंक सुबह वर्कआउट करना ना बेस्ट होता है, मतलब मेरे साथ तो यही हुआ है क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई थी, तो रात का मैंने सोचा था करूँगी पर फिर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, सर दर्द शुरू हो गया तो मैंने नहीं किया। इसीलिए आज मैंने सोचा कि उठते ही सबसे पहला काम मैं वर्कआउट करूँगी ताकि फिर पूरे दिन मेरे को टेंशन ना लेनी पड़े। सांस फूल गई। अब 5-10 मिनट रुकती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, किचन में भी एक दो चीज़ें मैं रख के आई थी पहले क्योंकि आज जो बनाना है वो प्रिपेयर कर रही थी। तो जब तक मेरा वर्कआउट हुआ, बैंगन का भरता है बेसिकली, तो बैंगन मैंने रोस्ट होने रख दिए थे, अब वो भी हो गए होंगे, उनको साइड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अभी आई नो मेरा ये फर्स्ट वीक है और इसमें मैं बस 20-25 मिनट ही कर पा रही हूँ वर्कआउट, बट आई फील कि कुछ ना करने से 20 मिनट भी अच्छा ही है और थोड़ा बहुत तो स्वेट निकल ही जाता है इन 20 मिनट में भी, और सांस बहुत ज़्यादा क्योंकि स्टैमिना बहुत ख़राब हो रखा है मेरा। तो ऑफकोर्स 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है या 25 मिनट्स, बट धीरे धीरे आई थिंक मैं इंक्रीज़ कर लूँगी इसे, धीरे धीरे 30 फिर 40 फिर 50 इस पे भी जाएंगे, बट फिलहाल आई थिंक जितना हो रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। चलो जी आज बनाते हैं मेरे बचपन का फेवरेट बैंगन का भरता। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लेना मतलब सड़ा लेना, फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज और मिर्ची डाली, लहसुन अदरक हो तो वो भी डालना, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई। अच्छा साथ साथ वैसे मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी, मैं आज बना रही थी टोफू सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच है, बीच में टोफू भी डाल दिया है और हरी चटनी तो घर की बनी हुई है तो सैंडविच बना लिया। नाउ लेट्स गो बैक टू बैंगन का भरता। तो जब प्याज और मिर्च वगैरह अच्छे से सौते हो जाए ना 3-4 मिनट के लिए सेम आंच पे, फिर मैंने उसमें डाल दी टमाटर। तो जैसे अगर 2 प्याज लिए ना तो मैं 4 टमाटर डालती हूँ, मतलब बैंगन के भरते में मेरे को टमाटर ज़्यादा पसंद है। फिर उसमें मैंने बेसिक मसाले डाले जिसमें था कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी, बस वो मसालों को अच्छे से ना मिक्स कर लेना। और मटर को मैंने साइड में अलग से बॉईल कर दिया था क्योंकि मटर बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लेता है मतलब पकने में, तो वो मैंने अलग से बॉईल किया था। एंड जो मसाला हमारा पक गया था ना प्याज और टमाटर वाला, उसमें मैंने पहले मटर डाले तो वो अच्छे से मिक्स कर लिया, 1-2 मिनट और सौते कर लिया मसाला और मटर इकट्ठे मिला के। देन बैंगन का जो भरता था, मतलब बैंगन जो थे मैंने भुन के रखे हुए थे अलग से, उसका छिलका उतारा, उसमें चेक कर लेना कि कीड़े ना हो, वो मम्मी से चेक करा लेना या खुद ही कर लेना। देन वो भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया, 2-3 मिनट और सौते किया और बैंगन का भरता तैयार है। और मेरा सैंडविच भी देख लो, ये भी तैयार हो चुका था। एक्चुअली मैं साइड बाय साइड चला रही थी, बैंगन का भरता भी कर रही थी, उधर से मेरा सैंडविच भी तैयार हो रहा था। तो जब तक बैंगन का भरता तैयार हुआ मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, एंड इसके बाद मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई और रीजन भी बताती हूँ। The next day. Hi guys, so I am continuing the vlog, yesterday's vlog. कल एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, आई गॉट माई डेट्स, और कल बहुत वियर्ड फील हो रहा था, लाइक कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा था एंड थोड़ा पेट में भी पेन हो रहा था, ऑल तो इतना होता नहीं है मुझे पेन बट कल थोड़ा ज़्यादा ही था। सो कल आई डिसाइडेड टू रेस्ट और व्लॉग ही नहीं किया क्योंकि कुछ किया ही नहीं, मैं लेट ही रही, दोपहर को भी मेरे को नींद आ गई थी, सो गई थी। फिर मैंने मील भी सिर्फ एक ही मेजर मील लिया था जो था पनीर और भरता एंड रोटी, ये सब खाया था, थोड़ा रात के टाइम भी खाया था, वैसे मुझे दोपहर को खाना चाहिए था बट मेरे को दोपहर को सच में से बहुत वियर्ड सा हो रहा था और भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि पेन हो रहा था, तो उस चक्कर में खाने का मन नहीं हो रहा था। तो कल का दिन तो बहुत ही वियर्ड गया, इसीलिए मैंने सोचा आज का हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं सुबह उठी हूँ 9 बजे और मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितनी ही लेट उठ गई हूँ। मैं वैसे मेरी नींद 7 बजे खुली थी बीच में या 6:30 बजे, फिर मेरी नींद एक और बार खुली, फिर मेरी जब मेरी नींद 9 बजे खुली ना मुझे ऐसा लग रहा है वो शिट पता नहीं 11 बज गए होंगे 12 बज गए होंगे, बट देखा तो 9 ही बजे थे। तो हाँ आज 9:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, अभी कुछ पानी वानी नहीं पिया क्योंकि ज़ारा को फ्रेशन अप कराना था, तो मैं फटाफट से ऊपर आ गई और आपको अपडेट दे रही हूँ। अब थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर नीचे जाके मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे और दिन को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज वर्कआउट करूंगी या नहीं करूंगी पता नहीं, देखते हैं, थोड़ा योगा या कुछ ऐसे थोड़ा लाइट वर्कआउट करने का मन हुआ तो कर लूंगी, नहीं तो मैं नॉर्मल भी कर सकती हूँ, मुझे ऐसे पीरियड्स के टाइम पे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऐसे मम्मी बोलती है कि पीरियड्स के टाइम पे फर्स्ट 2 डेज वर्कआउट को अवॉइड किया कर, आई डोंट नो व्हाई, अगर आपको रीज़न पता है मुझे बताना, लेकिन हाँ अगर देखते हो अगर वर्कआउट का मन होगा तो कर लूंगी, नहीं तो मेरा मेन टारगेट है कि मैं हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करूँ, तो 5 बार हो चुका है ऑलरेडी आई थिंक, मैं देखूंगी नीचे जाके, मैंने आज टिक नहीं किया तो मैंने काउंट करना है कितने दिन वर्कआउट हुआ है कितने दिन नहीं हुआ। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर आगे आगे देखते हैं क्या खाएंगे पियेंगे। अरे नहीं खेलना और जी आए दोस्तों और वो चले गए। दिन की शुरुआत हो रही है चीकू खाने से,
मैंने दो चीकू ले लिए, तो जी डे वन पे वेट था 93.25, डे सेवन पे वेट है 91.95, डिफरेंस करेंगे तो 1 kg, 1.5 kg के अराउंड डिफरेंस है। मेजरमेंट्स मैं आज नहीं ले रही हूँ, मैं कल ले लूँगी, तो मैं कल वाले व्लॉग में आपको मेजरमेंट्स भी अपडेट कर दूंगी कि कोई फर्क आया है नहीं आया है, वो कल वाले व्लॉग में आप देख लेना। और फिलहाल मैं लेने वाली हूँ मेरा ये फेनल ड्रिंक, इसमें 1.5 कप पानी डाला एंड थोड़े से फेनल के सीड सौंफ, एंड जब वो 1 कप पानी हो गया तो मैं अब इसको ड्रिंक करूंगी। अभी बहुत गर्म है तो इसको रखते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, तब तक मैं थोड़ा अपना जर्नलिंग कर लूंगी, थोड़ी बुक पढ़ लूंगी। तो सुबह का मेरा वैसे रूटीन यही होता है आजकल कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीते पीते ये अपना जो वेट है ये सब लिख लेती हूँ और जो जर्नल करना होता है वो कर लेती हूँ। और यार मेरा ना मन कर रहा है कि मैं नेल्स करवा लूँ, मुझे पता नहीं करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, बहुत अजीब से लग रहे हैं। मतलब मैंने जनवरी और फरवरी दोनों मंथ में नेल एक्सटेंशन रखे थे, तो अब मुझे इतना अजीब सा लग रहा है देख के, फिर मेरा मन कर रहा था कि चल छोड़ अभी, मतलब क्यों बार बार कराना ना, एक तो पैसे वेस्ट होते हैं और नेल्स भी खराब होते ही हैं। अब मेरे को मन तो कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कराऊं या ना कराऊं, देखते हैं। अगर ज्यादा मन किया तो शायद आज जाऊंगी नेल एक्सटेंशन कराने, क्योंकि मेरे को बैग्स वगैरह के शूट करने होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, अच्छे नेल्स होंगे ना, मतलब ऐसे मैं खुद को ही वो दे रही हूँ, कोई ऐसा रीजन है नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, आपको एंड तक जरूर पता लगेगा कि मैं करवा रही हूँ या नहीं करवा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी बाहर शूट करने के लिए, अभी हम लोग हमारे ये वॉलेट्स लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज़ सो क्यूट यार, इतने सुपर डुपर क्यूट प्रिंट में आया ना ये, देखो एक ये प्रिंट है, मतलब ये मिक्स में आएगा, आपको कोई भी रैंडमली मिल सकता है, नहीं तो अगर आपको चूज़ करना है तो हमारे पास जो उस टाइम ऑप्शन होंगे आप चूज़ भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये, तो इस तरह से ये वॉलेट्स लिंग है और बहुत ही क्यूट लगता है, साथ में स्लिंग भी आएगी तो इसको वैसे भी कैरी कर सकते हो। तो अभी मैं इसका शूट कर रही हूँ और बाहर बैठी हूँ धूप में, क्योंकि धूप में अच्छी लाइटिंग आती है, मैं आपको पहले वाले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। जारूडी भी साथ आ गई है, चटर पटर कर रही है, काम फिनिश कर लूँ। आज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप ही हो गया, मतलब मैंने फ्रूट्स ही खाए थे, भूख भी नहीं लग रही अभी, तो मैं आपसे अब मिलती हूँ डायरेक्ट ब्रंच लंच जो मर्जी कह लो उसी के साथ। तो ब्रंच के लिए आज मैं बना रही हूँ काला चना चाट। सबसे पहले मैंने टमाटर प्याज और क्यूकम्बर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये चॉपर ले लो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो चॉप करने के बाद मैंने उसमें डाला बॉइल्ड काला चना, और जो काले चने का पानी होता है ना जिसमें बॉयल करते हो वो भी यूज़ कर लिया करो, काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा डाला ब्लैक सॉल्ट, नींबू और हल्की बनी हुई हरी चटनी, अच्छे से सब मिक्स कर दिया। चाट मसाला भी डाल लेना, मेरा चाट मसाला खत्म हो गया, अदरवाइज वो बहुत मस्त चटपटा सा फ्लेवर दे देता है। अच्छे से सब मिक्स किया और मैंने आज थोड़ा अलग ट्विस्ट किया, मैंने इसमें मुरमुरे भी डाल दिए थोड़े से, अगर आपको भी मुरमुरा पसंद है तो आप डाल सकते हो, लेकिन फिर डाल के ना उसी टाइम खा लेना, नहीं तो बाद में बहुत सौगी सौगी हो जाएगा। तो हाँ, इसमें मेरा थोड़ा नमक कम था तो मैंने थोड़ा वो ऐड किया, और तैयार है हमारी काला चना चाट। काफी हेल्दी है और काफी फिलिंग है, तो हैवी होती है ना, मतलब प्रोटीन है काला चना है एंड ऑल ऑफ दैट। फिर पूरा दिन मैंने एक्चुअली सिर्फ कोल्ड कॉफी पी थी और मैं चली गई थी शाम को काम से। दोस्तों आज मैं और मम्मी निकले हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से, और फ्लॉप थोड़ा हाँ हो गया थोड़ा फ्लॉप, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं घूम ही रही हूँ मार्केट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अगर हो पाया तो आपको भी बताऊंगी वो बात आगे फ्यूचर में। तो हम शाम से ऐसे भटक ही रहे इधर उधर, लेकिन हाँ अभी सीन ये है कि मेरे को लग गई है भूख और मम्मी को भी, तो मम्मी ने वड़ा पाव लिया है, और मेरे को जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा था वो ये था कि मैंने व्हीट मोमोज ले लिया आज। एक तो क्रेविंग हो रही थी, मन कर रहा था, प्लस फिर मैंने सोचा कि डिनर यही कर लेती हूँ, 7 बजे गए ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा यही करते हैं डिनर। आज मेरा डिनर बाहर से है, व्हीट मोमोज 6 पीस है वैसे, ये नहीं कितने हैं 5 है, सॉरी हाफ प्लेट है, 5 पीस है, तो 3-4 मैं खा लूंगी, 1-2 मम्मी खा लेगी। और अभी भी काम, अभी मेरे को जाना है बंजारा मार्केट, शायद हो सकता है मैं वहाँ पे जाऊंगी, अगर गई तो ऑफकोर्स आपको दिखाऊंगी, वैसे बहुत रात हो गई है तो जितना हो पाएगा दिखा दूंगी, अभी मेरा भी कन्फर्म नहीं है वैसे, अभी हम डिस्कशन यही कर रहे हैं मम्मी और मैं कि क्या चले वहाँ पे नहीं चले, तो देखते हैं जो भी होता है। बाय द वे हमने ये वड़ा पाव से क्या गोली बड़ा दिमाग ही लगा है। दोस्तों बंजारा मार्केट तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही लाइक छोटी सी मार्केट है यार। एक्चुअली बंजारा मार्केट अब 2 सेक्टर में हो गई, एक सेक्टर 62 एंड आई थिंक 56, तो पता नहीं यहाँ पे कितना है, अंदर जाके देखते हैं, और रात भी हो गई है तो बहुत अंधेरा है, तो जितना हो पाएगा व्लॉग करूंगी, अदरवाइज देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कुछ यार मेरा व्लॉग ही नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे
पता नहीं स्टोरेज ही मैं खाली कर रही हूँ फिर वो आ रहा है कि स्टोरेज फुल, बट एनीवेज मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई हूँ इतना, बट अगर कुछ मिल गया तो देख लेंगे, अदरवाइज मैं राउंड मारने आई हूँ क्योंकि मुझे एक दो चीज़ फ्यूचर के लिए चाहिए, तो अगर यहाँ कुछ होगा तो तब यहाँ से लेंगे, अदरवाइज कोई और मार्केट देखेंगे। तो लेट्स गो, इससे पहले मेरा फिर से फोन फुल स्टोरेज दिखा दे, चलते हैं। चले मम्मी चलो। खाली है क्या? नहीं, अच्छा सामान है, है। ये तो वो सब है। तो कोई फायदा हाँ, यहाँ लाइट कम है अब। ये किस लिए होता है? यहाँ पे आपको ऐसे ही स्टूल के सेट भी मिल सकते हैं, बट अभी वही है यार, बहुत अंधेरा है और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अंधेरा ही बहुत है। हाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, समझ ही नहीं आ रहा। क्या चलो मम्मा चलो। ये वाला कितने का है? जो ये लकड़ी वाला बड़े वाला 500 रुपए। सबसे बड़ा साइज यही होगा ना इसमें? इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? और नीचे तो ठीक ही होगा, पूरा शीशा ठीक है मेरे पास। अच्छा ठीक है, इसको एक मिनट यहीं रख देना, यहीं रख दो, यहीं रख दो, मैं गाड़ी लेकर आऊंगी फिर तब रख दूंगी। वो है वाइट है, ग्रे है, तो येलो कौन सा है? पिंक कलर है ये पिंक है, ये पिंक है, ये पीच पिंक लगा सकते हैं। तो ये ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैक्रमे है, तो मैक्रमे बोलते हैं इन्हें। और ये सब तो मैट ही है, ब्लू है, पर्पल है, ब्लूइश पर्पल है। वैसे झुक के बैठूंगी और क्या, थोड़ा पीछे कर लूं। दोस्तों ना चाहते हो देख लो, पीछे जितना होता कर लो, थोड़ा सा करना तो आगे से सरका व्लॉग करूं कि क्या करूं। ये लो मेरी तरफ, ये लो भाई मेरे पे आ रहा है, चलो ठीक है मैं चला लूंगी। तो जी हमने चाहते ना चाहते एक मिरर ले ही लिया यहाँ से। दोस्तों चेंज ऑफ प्लान्स हो चुका है, पहले मैं बात आपसे कंप्लीट कर नहीं पाई थी, पर पहले का प्लान ये था कि बंजारा मार्केट से हम लोग निकल के घर जाने वाले थे, बट अब हम आ गए हैं जूडियो, क्योंकि बंजारा मार्केट से 15 मिनट ही दूर है ये वाला जूडियो, सोना रोड पे पड़ता है। सो चलते हैं, और टाइम आधे घंटे का ही है, 9 बजे बंद हो जाता है शायद, और 8:30 हो चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं। आज ना पापा आज कहीं बाहर गए हुए हैं कहीं कुछ काम से, मतलब वो रात को लेट आएंगे, तो हम लोग गेड़ी पे गेड़ी मार रहे हैं माँ बेटी। हाँ भाई लिफ्ट ही अजीब सी आई है भाई, यहाँ तो लिफ्ट ही साइड वाली टूटी हुई है, ये फ्लाई फ्लाई हो रखा था और ग्राउंड दबा दिया, अभी यही है B1। पता नहीं क्या मॉल है भैया, वो लिफ्ट सच में मैं दिखा नहीं पाई, बंद हो गई थी उतने पे, पूरी फ्लाई फ्लाई हो रखी है, टूटी पड़ी है, और कुछ ऑपरेशनल है, मतलब चल भी है वो। स्टूडियो दो तीन चीजें ले ली, घर जाके दिखाऊंगी, बट यहाँ पे अभी बहुत इसे ना वो बंद करने का टाइम था, तो काफी होश पोश थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया अंदर। बट द स्टाफ हियर इज अ लिटिल रूड, मतलब मेरे से कुछ नहीं बोले, बट मेरे सामने जो खड़े थे ना उनके लिए बोल रहे थे, तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, तो मैंने भी थोड़ा रूडली उनसे बात करी। मतलब आप अपनी ड्यूटी करो ना यार, अगर कोई एक चीज ले रहा है दो चीज ले रहा है, तुम्हारा काम है बिल करना, वो करो चुपचाप यार, मुझे वो चीज थोड़ी अजीब लगी यहाँ पे। बट एनीवेज द कलेक्शन इज सुपर गुड, जूडियो जरूर जाओ, मतलब मेरे को वहाँ के कपड़े देख के गोवा जाने का मन कर गया, इतनी अच्छी है। काश मैं ऐसा करती कि यहाँ से बस शॉपिंग करती और सीधा गोवा चली जाती, क्योंकि सारे ही इतने गोवा अप्रोप्रिएट आउटफिट्स आए हुए हैं ना अभी समर कलेक्शन, तो जा सकते हो आप लोग भी जूडियो, अगर आप लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो एक बार जूडियो भी जाना, अफोर्डेबल है, रेट भी अच्छे हैं, तो आपको पसंद आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों रात को मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, तो मैंने बनाया ये मुरमुरा भेल,
क्योंकि मैंने लास्ट वही 4 पीस मोमोज खाए थे, उसके बाद थोड़ी रात को भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि मैं यही बना लूँ थोड़ी सी चाट। इसमें मैंने भुना चना भी डाला था और ज़ारा यहाँ पर पता नहीं मस्ती करी थी। हाय गाइस, सो आई डिड नॉट कंटिन्यू द व्लॉग यस्टरडे, और कल रात को मैं आई थी 9:30 के अराउंड वापस घर। कल बहुत ही लाइक हेक्टिक हो गया था शाम के टाइम पे, पहले बंजारा मार्केट, फिर उसके बाद पहले तो मैं अपने काम से बहुत देर घूम रही थी और बहुत दिमाग लगा रही थी, देन बंजारा मार्केट, फिर उसके बाद जूडियो चले गए। काफ़ी अनप्लान्ड डे था लेकिन मज़ा आया। कल काफ़ी शॉपिंग भी कर ली, काफ़ी एज इन की थोड़ी बहुत करी, बट जो जो चाहिए था वही शॉपिंग करी है, बहुत ऐसे ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं किया या आलतू फालतू कुछ नहीं लिया। मैंने बंजारा मार्केट से एक मिरर लिया था एंड जूडियो से जो लिया है वो मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। वैसे अगला दिन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो, और अभी सुबह का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कल वाला भी वीडियो पहले एंड कर देती हूँ। सो हाँ जी, अभी नीचे चलती हूँ और आपको मैं जूडियो से क्या क्या लेके आई हूँ फटाफट से दिखाती हूँ, एंड देन आई विल रैप अप दिस वीडियो। तो जी, अब है एक मिनी हॉल टाइम। सो जूडियो से मैं 3 चीज़ें लेकर आई हूँ और बंजारा मार्केट से सिर्फ वो मिरर लिया था। मिरर अभी भी कार में ही है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, बट जब भी मैं अनबॉक्स करूंगी, ऊपर लाऊंगी, जो भी होगा वो आपको आगे वाले व्लॉग में दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए जो जूडियो से लाई हूँ वो है सबसे पहले तो ये जूसी लिप बाम, इसका प्राइस है 149 एंड द शेड इज प्लम मैंगो मूड, पैकेजिंग कुछ इस तरह से 149 के हिसाब से अच्छा लिप बाम है। ₹149 के हिसाब से तो सही है यार। सेकंड चीज मैंने लिया है मेकअप ब्लेंडर, दिस इज फॉर ₹79 एंड काफी सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी लग रही है। और जो तीसरी चीज है वो है ये फुटवेयर, तो मैंने ये सैंडल लिए हैं एंड ये वाले ना एक्चुअली वेस्ट साइड की कॉपी है, दिस इज प्राइस्ड ओनली एट ₹499 और जो वेस्ट साइड वाले सैंडल्स है ना वो प्राइस्ड है आई थिंक 1400 या 1500 के, एंड जो एक्चुअल जो सैंडल है जो वेस्ट साइड ने भी शायद कॉपी किया है वो है बर्किनस्टॉक का, आई एम नॉट श्योर, तो मैं ऐसे जस्ट बता रही हूँ, अगर आपको श्योरिटी है तो मुझे कॉमेंट्स में बताना कि शायद जो बर्किनस्टॉक है वो ऐसे सैंडल्स बनाते हैं एंड उनके तो काफ़ी लाइक 10-15-20 हज़ार रुपये के सैंडल होते हैं। सो उनके बाद फिर वेस्ट साइड पे मुझे ऐसे वाले फ्लैट्स दिखे थे जो कि 1500 के अराउंड थे। अब जूडियो पे मैं गई थी, जूडियो पे एग्जैक्ट लाइक नॉट एग्जैक्ट बट हाँ काफ़ी सिमिलर, वेस्ट साइड से भी काफ़ी सिमिलर है, तो वो ₹500 में 499 जूडियो ने ये तो काफ़ी अच्छा निकाला है। अब बाकी जैसे इसको यूज़ करूंगी तो आपको बताऊंगी क्वालिटी कैसी है, बट हाँ अदरवाइज रेट वाइज और जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। इस व्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ थोड़ा सा शॉपिंग, थोड़ा सा खाना, ये सब चीज़ें, और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ये वाली सीरीज पे इतना प्यार दे रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बाकी आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहो कमेंट्स में, मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूंगी थ्रू माय वीडियोस, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि उससे वीडियो को थोड़ा पुश मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।